मैं भाषण नहीं करूंगा, आज आपसे बातें करूंगा, ठीक है? चलेगा ना? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, आप जरा एक एक चीज में बात करता हूं ना, मैं भाषण नहीं करूंगा, आज आपसे बातें करूंगा, ठीक है? चलेगा ना? अच्छा आप मुझे बताइए, जरा सोचिए, आप अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं, ये नारे वगैरह बताइए, लेकिन बीच बीच में जब जगह हो ना तब बुलाइए, ठीक है? और फिर 1 जून को भी करना पड़ेगा, 4 जून को तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो थक जाओगे। अच्छा हम अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं, क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? अब ये क्योंकि उनको बांट के खाना है, वो कहते हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए, जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी एनडीए को